दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पिछले 72 घंटों के दौरान 3 लगातार फायरिंग हो चुकी है। पहली फायरिंग 30 जनवरी को हुई थी जब राम भक्त गोपाल ने जामिया के प्रोटेस्टर पर फायरिंग की थी और राम भक्त गोपाल दहशतगर्द था, शादाब खान उसमें ज़ख्मी हो गया था। दूसरी फायरिंग 48 घंटे के दौरान शाहीन बाग प्रोटेस्ट की जगह पर हुई और ये फायरिंग करने वाला कपिल गुज्जर नाम का दहशतगर्द था। और अब तीसरी फायरिंग आज यानी 2 फरवरी की रात 11 बजे हुई। ये फायरिंग भी जामिया मिले इस्लाम में के गेट नंबर 5 पर हुई। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले रेड कलर की स्कूटी पर सवार थे, वो लगातार 2 फायरिंग करके निकल गए। हालांकि इस फायरिंग में कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फायरिंग की। इस फायरिंग के वाक़े के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा और यहाँ के सारे आवाम जामिया नगर थाने पर आ गए। उन्होंने घेराव किया और पुलिस से मुतालबा किया कि वो फौरन गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं सुन रही थी। शदीद दबाव के बाद पुलिस ने कहा कि हमने FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी तलबा ने तस्लीम नहीं किया। कुछ देर बाद पुलिस ने FIR की कॉपी ला करके दिखाई और कहा कि हमने FIR दर्ज कर लिया है, दफ़ा 307 और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर ने मतलब जाना जब क्या कार्रवाई हुई? FIR दर्ज कर दिए, अब कार्रवाई करेंगे। लोगों का मुतालबा है कि अब गिरफ्तार करें, पिछले दो जैसे हाथ में आएंगे तुरंत गिरफ्तार कर देंगे, तुरंत गिरफ्तार। तो ये SHO यहाँ के जामिया नगर थाना के, इनका कहना है कि हमने FIR दर्ज कर लिए है, 307 और कई सारी दफ़ा लगा दी है और हर मुमकिन हम गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं और जो बाहर प्रोटेस्टर है वो कंटिन्यू मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरन उसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन पुलिस करे कब तक हम गिरफ़्तार नहीं कर सके, लेकिन फ़ौरन गिरफ़्तार करेंगे। और पुलिस FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन प्रोटेस्टर की वजह से या दबाव की वजह से पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। FIR की कॉपी नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन जब दबाव पड़ा तो फिर पुलिस ने FIR की कॉपी भी बाहर जाकर दिखाई। आप हमारे स्क्रीन पर FIR की कॉपी भी देख सकते हैं। आगे की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। अगर हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली के पुलिस के प्रोटेक्शन में ही ये लोग आते हैं और दिल्ली पुलिस को वो कमनल फोर्सेस मजबूर कर रही हैं कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, इसलिए आगे को भी हमें ये अंदेशा है कि इससे भी बड़ा कोई हादसा हो सकता है। इसलिए हम अभी भी सिर्फ FIR से मुतमईन नहीं है जब तक उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होगा और आगे की गारंटी नहीं दी जाएगी, आगे की भी गारंटी, क्योंकि इलेक्शन में अभी 4-5 दिन हैं। हमें लगता है कि 1-2 दिन के अंदर ये कोई और इससे बड़ा हादसा यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे या शाहीन बाग में पैदा कर सकते हैं। लेकिन आसिफ भाई, 4 दिन में 3 बार गोली का इस तरह से चलना, देखिए मैं तो तमाम चैनलों पर ये बैठ के कह रहा हूँ कि अभी तक जितने हादसे हुए हैं, चाहे 15 दिसंबर का मसला हो, वो भी पुलिस के प्रोटेक्शन में वो सब मशीन चलाई गई, पुलिस के सामने गोली चली, सामने वहाँ पर जाती पुलिस ने करी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। 30 जनवरी को पुलिस के प्रोटेक्शन में वो फायर करने वाला आया, फायर करके चला गया। अब हमारी पुलिस से डिमांड है कि जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करा जाए। हमारे साथ ओखला के एक सेमिले आसिम मोहम्मद खान साहब। सर, ओखला का लॉ एंड ऑर्डर क्यों बार बार ख़राब हो रहा है? देखिए, ये तो बड़े बहुत ही सीरियस मैटर है कि जितना करीब इलेक्शन चला आ रहा है, इतने ही ज़्यादा यहाँ पर हालात बिगाड़ने की वो फ़रका परस्त ताकतें कोशिश कर रही हैं, जो वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। SHO ने बात करते हुए कहा कि हम जैसे ही हम पूरी कोशिश करेंगे गिरफ्तारी करने की, जैसे मुमकिन होगा, हम भी रात को नहीं सो रहे हैं जब से प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मज़ीद तफ़सीलात मिला टाइम्स के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर, हम कंटिन्यू आपको दिखाते रहेंगे और तमाम डिटेल्स लाइव भी हमने आपको दिखा दी है। अब हम जामिया चलते हैं, वहाँ क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।